बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के कुछ मौज़ात का जिक्र करेंगे। इस वीडियो को मोहब्बत के साथ आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के मौज़ात की तादाद उलमाए कराम ने 4000 तक बयान की है। इन मौज़ात में से कुछ मौज़ात गलत बात के वक्त भी वुकू पज़ीर हुए। मसलन जंग के दौरान अगर किसी मुसलमान फौजी का कोई उज़्व कट जाता तो वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इस कटे हुए हिस्से को बाकी हिस्से के साथ मिलाकर अपना लुआबे दहन लगाते तो वो फौरन जुड़ जाता और जख्म का निशान तक बाकी न रहता। जंग बदर के मौका पर मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू जहल से जंग की। अबू जहल ने मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पांव पर तलवार मारी जिससे उनका पांव कट गया। सहाबा किराम उन्हें मैदान जंग से जख्मी हालत में उठाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास ले आए। उस वक़्त वो दर्द की शिद्दत से बेहाल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उनके पांव का झूलता हुआ हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ मिलाया और अपना लुआबे दहन लगाकर ऊपर पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद सहाबा ने जब उनकी पट्टी खोली तो उनका पांव बिल्कुल ठीक था, उस जख्म का निशान तक दिखाई नहीं देता था। नाज़रीन मोहतरम, जंगे खैबर के किलों को फतह करना मुसलमानों के लिए एक चैलेंज बन चुका था। मुसलमान जब भी हमला करते तो यहूदी सख्त मुकाबला करते और इस्लामी लश्कर नाकाम होकर वापस आ जाता। एक किले का पहलवान जिसका नाम मरहब था, वो बड़ा ताकतवर पहलवान था। जब वो मुसलमानों के मुकाबले पर आता तो मुसलमान उसके सामने ठहर न पाते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि कल मैं आलम उस मर्द को दूंगा जो खुदा और उसके रसूल का मुहिब होगा और खुदा और उसके रसूल का महबूब होगा। वो जम कर हमला करने वाला होगा, भागने वाला ना होगा। अल्लाह उसके हाथों पर अपनी मदद नासिल फरमाएगा। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली कहाँ है। सहाबा किराम ने अर्ज की कि उनकी आंखों में दर्द है, वो आराम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया उन्हें यहाँ लाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से लुआबे दहन उनकी आंखों पर लगाया तो वो फौरन तंदुरुस्त हो गए और यहूदियों से जंग के लिए उठ खड़े हुए। अमीरुल मोमिनीन ने जंग का नक्शा ही बदल डाला। आपने यहूदी लश्कर को तहस नहस कर दिया, उनके किले के मजबूत दरवाजे को उखेड़ डाला, उनके किले पर कब्जा कर लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना बयान है कि इसके बाद पूरी जिंदगी मेरी आंखें कभी खराब नहीं हुई। एक दिन एक सहाबी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दावत का इश्तियाक हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अपने घर खाने पर बुलाना चाहता हूँ, ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। बीवी ने कहा जरूर दावत दें। सहाबी ने छुरी उठाई, एक दुम्बा जिबा किया और बीवी खाना पकाने में मशगूल हो गई। सहाबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को बुलाने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ चले गए। सहाबी के दो छोटे बेटे थे। एक बेटे ने बाप को दुम्बा जिबा करते हुए देखा तो बाप के जाने के बाद उसने अपने छोटे भाई से कहा कि काश तू होता तो देखता कि अब्बू ने दुम्बे को कैसे सिबा किया है, क्या मैं तुझे बताऊं? छोटे भाई ने जवाब दिया कि हाँ जरूर दिखाओ। बड़े भाई ने छुरी उठाई और छोटे भाई के गर्दन पर चला दी और उसकी गर्दन काट दी। जब बच्चे की चीखें माँ के कानों में पड़ी तो उसने बेटे को डांट कर कहा कि तूने ये क्या कर दिया। बड़ा बेटा माँ की मार से बचने के लिए छत पर दौड़ा और छत से गिरकर मर गया। जब माँ ने दोनों बच्चों की लाशें देखी तो मुंह पीट कर रह गई। उसने इतने बड़े सदमे के बावजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का खाना पकाया और खाना पकाने में किसी किस्म की कोई कोताही न की। इसने दोनों बच्चों की लाशें उठाकर दूसरे कमरे में रख दी, उन पर कपड़ा डाल दिया। कुछ देर बाद जब उसका शौहर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर आया, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को एक कमरे में बिठा दिया। बीवी ने अपने शौहर को बुलाकर सारा मुआवजा सुनाया, उससे कहा कि दिल पर काबू रखना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की दावत में कोई खलल वाके ना हो। सहाबी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने लुकमाना तोड़ा था कि जिब्रील अलैहि सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर नाजल हुए और कहा कि आप अपने मेज़बान से कहें कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे बेटे यहाँ आकर न बैठेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने मेज़बान से फरमाया कि अपने दोनों बेटों को भी यहाँ बुलवा लो। मेज़बान ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दोनों बच्चे हैं, वो खेलने कूदने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो पता नहीं कब वापस आए। आप बिस्मिल्लाह करें,
खाना खाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नामुमकिन है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दोनों बेटे मर चुके हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दोनों बेटों के जनाजे उठाकर यहाँ ले आओ। सहाबी उठा और दोनों बेटों के जनाजे उठाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाकर रख दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी और खुदा से इन दोनों बच्चों की जिंदगी की दरख्वास्त की। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और दोनों बच्चे जिंदा हो गए और उठ बैठे और आपने उन्हें दस्तरखान पर अपने साथ बिठाया। बच्चों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिदैन के साथ मिलकर खाना खाया। नाज़रीन मोहतरम, आखिर में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़े के चंद वाक़यात बयान करते हैं। एक दफ़ा का वाक़या है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद असहाब के साथ सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह उन्होंने पड़ाव किया। उनके पास खाने के लिए एक बकरी थी। सहाबा में से एक ने कहा कि मैं इस बकरी को ज़िबा करूँगा, दूसरे ने कहा कि मैं इसकी खाल उतारूँगा, तीसरे ने कहा मैं इसका सालन तैयार करूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी करूँगा, आग जलाऊँगा। सहाबा अकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हरगिज़ तकलीफ़ ना करें, हम खुद ईंधन जमा करेंगे, आग जलाएंगे, आप आराम से बैठे रहें और तमाम काम हम सब पर छोड़ दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर अपने लिए कोई बर्तरी और फोकियत पैदा नहीं करना चाहता, मैं किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करता। अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो दूसरों पर बोझ ना बना हो। अहले मदीना की आदत थी कि वो रोज़ाना नमाज फजर के बाद अपने बर्तनों में पानी भरकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते। आप इसमें अपना हाथ डुबोते थे। सहाबा किराम इस पानी को मुतबर्रक समझकर अपने घरों में ले जाते थे। जब शदीद सर्दी होती थी और पानी बर्फ की तरह ठंडा होता था, उस वक़्त भी लोग जब पानी भरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को ये कहकर वापस नहीं किया था कि यह पानी बहुत ठंडा है, लिहाजा तुम अपना बर्तन वापस ले जाओ। एक मरतबा का जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ैफ़ा यमानी मदीने से बाहर गए। उन्होंने नहाने का इरादा किया। जनाब हुज़ैफ़ा ने एक कपड़ा तान कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा बनाया और इस पर्दे की ओट में आ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया। जब आप गुस्ल फरमा चुके थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कपड़ा पकड़ा, उसे तान कर फरमाया, हुज़ैफ़ा अब तुम नहाओ, मैं तुम्हारे लिए पर्दा बनाऊंगा। हज़रत हुज़ैफ़ा ने बहुत ही माजरत की और कहा कि आप पर मेरे वालिदैन कुर्बान जाएं, आप ज़हमत ना करें। लेकिन इनकी माजरत के बावजूद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़ीक़े सफ़र की खिदमत पर इसरार करते हुए फरमाया, जब दो शख्स रफ़ीक़े सफ़र हों तो उनमें से अल्लाह को वो शख्स बहुत ज़्यादा प्यारा होता है जो अपने साथी से ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसकी खिदमत करता है। रिवायात में मज़कूर है कि एक कनीज़ ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मेरा मालिक मुझसे बदसलूकी से पेश आता है, लिहाजा आप मेरे साथ चलें, उसे कहें कि वो मुझसे बदसलूकी का रवैया न रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कनीज़ को साथ लिया, उसके मालिक के दरवाजे पर गए। जब उसने अपनी कनीज़ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लुत्फ़ो करम देखा कि वो इसके सिफारिश कर रहे हैं, तो उस कनीज़ को राह खुदा में आज़ाद कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मुसलमान जमात की खिदमत करे तो जमात में जितने अफराद होंगे उनकी तादाद के बराबर अल्लाह ताला उसे जन्नत में खादिम अता करेगा। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को हर सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सलाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।